आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पता है कि हम रेट लेवल सेकंड में सोशल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी अभी यहाँ पे कर रहे हैं, और ये सोशल साइंस सब्जेक्ट में दोस्तों जनरल जीके आता है ना। तो वो सिर्फ रेट के लिए ही नहीं, वो सारी एग्ज़ाम्स जो आने वाली है, जो भी RPSC के एग्ज़ाम्स हैं, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर तो हम अभी जनरल हिस्ट्री पढ़ इसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली, वैदिक संस्कृति पढ़ ली, इसके अलावा हमने मौर्य काल पढ़ लिया, गुप्त काल पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म, इसके बाद में हम पढ़ेंगे जैन धर्म, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल में शासन व्यवस्था, और उसके बाद में हमारी यूनिट ये सेकेंड कम्प्लीट हो जाएगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक दोस्तों महात्मा बुद्ध रहे हैं। महात्मा बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक रहे हैं, मतलब बौद्ध धर्म उन्होंने ही चलाया था, बनाया था। इसके अलावा महात्मा बुद्ध का जन्म तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व हुआ था। एक एक बात इस लाइन की इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेपाल के तराई में, तराई वहाँ के एक इलाके को बोलते हैं, है ना। नेपाल में दो तरह के इलाके पाए जाते हैं, उनमें एक तरह के इलाके का नाम होता है तराई, है ना। तो तराई इलाके में स्थित कपिल वस्तु जगह का नाम है, और कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक क्षेत्र में, है ना। कपिल वस्तु बड़ा जैसे डिस्ट्रिक्ट होगा, वहाँ का लुम्बिनी जैसे गाँव होगा। तो लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में, मतलब शाक्य कुल में, है ना। और शाक्य कुल कौन सी जाति में आता है? क्षत्रिय कुल में। 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ये अब बात कहाँ से आ गई दोस्तों, ये ईसा पूर्व की बात आ गई। 600 ईसा पूर्व अपन ने वैदिक काल ख़त्म किया था, है ना। तो अब ये उससे वैदिक काल ख़त्म होने के बाद की बात आ गई यहाँ पे। तो 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ? नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में, है ना। और शाक्य कुल में थे, और शाक्य कुल कौन सी जाति में आता है? क्षत्रिय में आता है। शाक्य कुल में 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोदन था। दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। माता का नाम महामाया और पिता का नाम क्या है? शुद्धोदन है। जन्म के सातवें ही दिन माता का देहांत हो जाने पर सिद्धार्थ का पालन पोषण उनके मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। तो महात्मा बुद्ध के जन्म के सातवें ही दिन उनके माता का देहांत हो गया, और उनका संपूर्ण पालन पोषण किसने किया? उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह है शाक्य कुल की ही कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। उनका विवाह किससे हुआ दोस्तों? शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से। कितनी वर्ष की आयु में? 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से उनके पुत्र पैदा हुए राहुल। तो दोस्तों माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोदन, और मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, ठीक है। और बीवी का नाम कौन था? पत्नी का नाम यशोधरा, और पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ये सारी चीज़ें आपको बहुतों बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, छोटे और हमारे जैसे रिट के एग्ज़ाम हो गई, राजस्थान कांस्टेबल के एग्ज़ाम हो गए, इनमें तो ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन ही पूछ ले जाते हैं, और हम वहाँ एग्ज़ाम हॉल में बैठे बैठे इन्हीं में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी याद रखिएगा। अब सांसारिक दुखों से व्यथित होकर 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने ग्रह त्याग कर दिया, और इस क्रिया को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अब सांसारिक दुखों, कैसे? बुद्ध के तो कोई दुख था नहीं दोस्तों, है ना। तो उन्होंने एक तो मतलब कहते हैं कि एक उन्होंने देखा वो जो होता है बीमार व्यक्ति को, एक उन्होंने देखा वृद्ध व्यक्ति को, एक उन्होंने देखा को ले जाते हैं अर्थी पे, तो अर्थी पे ले जाते हुए आदमी को, और एक उन्होंने देखा सन्यासी व्यक्ति को। तो उन्होंने पाया कि जो बीमार वृद्ध और जो अर्थी पे ले जाते हुए आदमी है वो सब दुखी है, है ना, और जो सन्यासी था वो वहाँ पे खुश था, है ना। तो उनको लगा कि सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने का हमें मार्ग ढूंढना चाहिए। इस संसार में रहेंगे तो हमें देखिए पर दुख ही मिलेंगे, उसके अलावा कुछ मिलना नहीं। तो इन्हीं सब दुखों से व्यथित होकर 29 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था, और दोस्तों 29 वर्ष की आयु में मतलब शादी के 13-14 साल बाद ही उन्होंने घर का त्याग कर दिया, और इस क्रिया को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण क्या क्या होता है? बुद्ध के द्वारा ग्रह त्याग करने की क्रिया महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ये बात बहुतों बार पूछी जाती है। इसके बाद सर्वप्रथम आलार कालम वैशाली, है ना, के रहने वाले थे आलार कालम। सांख्य दर्शन के दोस्तों जनक जो बोला जाता है वो आलार कालम को बोला जाता है, सांख्य दर्शन के जनक, है ना। आलार कालम नामक सन्यासी से शिक्षा ली। सबसे पहले जो गुरु बुद्ध के बने वो यही बने दोस्तों, आलार कालम, है ना। और इन्होंने सांख्य दर्शन
के प्रवर्तक थे अलारगालम और ये वैशाली के रहने वाले थे, ठीक है। इनसे इन्होंने शिक्षा ली, परंतु बुद्ध को कहीं भी संतुष्टि नहीं मिली। इन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली परंतु उन्हें कहीं भी संतुष्टि नहीं मिली थी। तो प्रथम गुरु कौन थे? अलारगालम। इसके बाद उन्होंने उरुवेला जो बोध गया में स्थित है गए, और वहाँ उन्हें कौंडिन्य नामक 5 साधक मिले। इसके बाद वे उरुवेला जगह पर गए, उरुवेला वर्तमान में बोध गया में स्थित है, वहाँ पर उन्हें क्या मिले? कौंडिन्य आदि 5 साधक। एक का नाम था कौंडिन्य और ऐसे इसी तरह के 4 जने और थे, तो 5 ऐसे साधक थे जो वहाँ पे तपस्या या मतलब पूजा अर्चना कर रहे थे, ठीक है। अब है कि इनके साथ वो भी पूजा अर्चना करने लग गए। अब कहा जाता है कि दोस्तों कि ये लोग बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे, तो बुद्ध ने शुरू में तो इनके साथ तपस्या करने का प्रयास किया, लेकिन इनकी जितनी कठोर तपस्या बुद्ध से नहीं हो पाई, तो लास्ट में बुद्ध ने इनका भी साथ छोड़ दिया। तो इन लोगों ने बुद्ध का बहुत मजाक उड़ाया था, है ना। इसके बाद में बुद्ध ने कौन सी नीति अपनाई थी दोस्तों? मध्यम मार्ग बुद्ध ने अपनाया था कि, है ना अपने शरीर को इतना ज़्यादा कष्ट दो कि हम सह ही नहीं पाए, और ना ही हम अपने शरीर को इतनी आनंदित और खुश अवस्था में रखें, है ना। तो हमें हमेशा मीडियम बनाना चाहिए, है ना। तो यही तो बुद्ध कहते हैं, हमेशा बुद्ध की यही नीति होती है कि दोस्तों मतलब स्थिर अवस्था में रहना, कि किसी भी सुख को लेकर हम इतने ज़्यादा सुखी ना हों कि आने वाले दुखों को हम सह नहीं ना कर पाएँ, और किसी भी दुख में हम इतने ज़्यादा दुखी ना हों कि हम उससे टूट ही जाए, है ना, ज़िंदगी ही अपनी ख़त्म कर दें, है ना। तो यही बुद्ध का है कि मध्यम मार्ग में हमें रहना चाहिए। तो बुद्ध ने इन जो 5 इनका भी साथ आगे जाकर छोड़ दिया था। उसके बाद स्वयं बुद्ध ने अपने ही अकेले जाके 6 वर्ष के अथक परिश्रम और घोर तपस्या की, और उसके बाद उन्हें 35 आयु में, है ना, 35 वर्ष के जब बुद्ध हो गए थे, 29 साल के घर छोड़ा था और 6 वर्ष फिर उन्होंने तपस्या की, है ना। तो फिर उन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा, दोस्तों बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ, बुद्ध की जो मृत्यु या महापरिनिर्वाण उसे बोलेंगे वो वैशाख पूर्णिमा को हुआ, तो इसलिए ये वैशाख पूर्णिमा इन बौद्धों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार हो जाता है। तो और बुद्ध को ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा को ही प्राप्त हो गया। तो वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वट वृक्ष के नीचे, है ना, पीपल का वृक्ष था उसके नीचे निरंजना नदी के तट के किनारे, कौन सी नदी है दोस्तों? निरंजना नदी है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम गौतम बुद्ध बना था दोस्तों। तो कब ज्ञान प्राप्त हुआ? 6 वर्ष के अथक परिश्रम के बाद वे वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया, है ना, और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। अब ये क्या बन गए? गौतम बुद्ध बन गए। उरुवेला से बुद्ध सारनाथ गए। अब ये कहाँ थे? उरुवेला थे, है ना, उरुवेला से कहाँ गए? सारनाथ गए, और उन्होंने वहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और ये 5 ब्राह्मण सन्यासी दोस्तों वही सन्यासी हैं जिनके साथ ये तपस्या करना इन्होंने शुरू किया था, लेकिन इनसे ऐसी तपस्या हो नहीं पाई थी, है ना। लेकिन अब क्या हुआ? बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई, बुद्ध महान हो गए, और सबसे पहला जो अपना इन्होंने प्रवचन दिया था वह इन्हीं 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में इस पहले जो इन्होंने दिया था प्रवचन उसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। घर से जो निकले थे उसको कहा गया महाविनिष्क्रमण, ग्रह त्याग किया था, है ना, और जो पहला ज्ञान दिया था उसे कहा गया है धर्मचक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध ने तपस और कलिक नामक 2 शूद्रों को भी बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। बौद्ध धर्म से पहले दोस्तों कोई भी धर्म ऐसा नहीं था जो शूद्रों को अपने धर्म में आने की अनुमति देता था, है ना। बौद्ध धर्म ही पहला ऐसा धर्म था जिसने सभी जातियों के लिए अपने संघ के द्वार खोले थे, है ना। तो इसलिए बौद्ध धर्म में तपस और कलिक नामक 2 शूद्र ऐसे थे जिसका सर्वप्रथम शूद्र थे, पहले शूद्र थे जिनको बौद्ध धर्म मतलब बुद्ध ने अपना अनुयायी बनाया था। बुद्ध अपने जीवन चक्र के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ये दोस्तों आर्यस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बुद्ध ने ज़्यादा संदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे, कौशल की राजधानी थी उस समय श्रावस्ती, वहाँ उसने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी कौन कौन से थे दोस्तों? एक तो बिंबिसार, एक प्रसेंजित और एक उदयन, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले कि मौर्यों से पहले जो हम मगध की हिस्ट्री पढ़ रहे थे उनमें इन सब राजाओं का नाम हमने पढ़ा है। तो ये जो राजा थे बिंबिसार हर्यक वंश के थे,
ये जो राजा थे ये इनके अनुयायी थे, लेकिन ये राजा थे इसलिए प्रसिद्ध अनुयायी इन्हें कहा गया है। और बुद्ध के प्रधान जो शिष्य थे, प्रिय जो शिष्य थे, वो उपाली और आनंद थे। दोस्तों उपाली और आनंद ने बुद्ध धर्म से रचित रिलेटेड कई किताबें भी लिखी आगे चल के, है ना। तो ये बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। जीवन के अंतिम पड़ाव में बुद्ध हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनारा पहुँचे और जहाँ 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई, जिसे क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। तो मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों, कुशीनारा में। कौन सी नदी के तट पर, हिरण्यवती नदी के तट पर। कितने, कौन सी वर्ष में, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु की, है ना। और इनकी मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण, है ना। ग्रह त्याग को क्या कहा गया, महाविनिष्क्रमण। ज्ञान देने को क्या कहा गया, धर्मचक्र परिवर्तन। और मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। मृत्यु से पूर्व शुभच्छ नामक परिव्राजक को उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। परिव्राजक मतलब वही होते हैं दोस्तों, इनके शिष्य ही होते हैं, लेकिन जो बहुत ही कठोर नियमों का पालन शायद करते हैं उन्हें परिव्राजक बोलते हैं। एकदम क्लियर तो पता नहीं है, लेकिन आप चेक कर लेना, परिव्राजक वही होते तो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तो शुभच्छ नामक परिव्राजक को इन्होंने अंतिम रूप से क्या दिया था, उपदेश दिया था। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया था, है ना। जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो जो उनके अस्थियां होते हैं उन्हें 8 भागों में विभाजित किया गया था, और फिर उन्हें 8 जगहों पर रखा गया था दोस्तों। उन स्थानों को बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थान है, और उन्हें क्या कहते हैं, अष्ट महास्थान उन्हें कहते हैं। तो ये बुद्ध की हिस्ट्री है। अभी बहुत धर्म से रिलेटेड हमने कुछ नहीं पढ़ा, अभी हमने महात्मा बुद्ध की हिस्ट्री पढ़ी है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। महामाया शुद्धोदन माता पिता थे। प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी। यशोदरा से इनका विवाह हुआ। राहुल इनका पुत्र था। 29 वर्ष की आयु में महाभिनिष्क्रमण किया था। अलारकालम इनके प्रथम गुरु थे। उरुवेला में 5 साधक मिले थे। फिर आगे चलकर निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, और इसके बाद में ये गौतम बुद्ध कहलाए थे, है ना। 5 ब्राह्मण सन्यासियों को शिक्षा दी थी, उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। तपस्व और कलिक प्रथम शूद्र थे जिनको शिक्षा दी, और कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती जहाँ है उस वहाँ पे उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था। बिम्बिसार, प्रसेनजीत, उदयन, ये राजा इनके शिष्य थे। उपाली और आनंद जो थे इनके सबसे प्रिय शिष्य थे, और 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई हिरण्य नदी के तट पर, ठीक है। और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। शुभच्छ को अंतिम शिक्षा दी थी, और इनका अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। अब आती है बौद्ध धर्म से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातें, कि बौद्ध धर्म में क्या क्या अब आता है। सबसे पहले तो आते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, कि त्रिरत्न कौन से हैं बौद्ध धर्म के। बुद्ध, धम्म और संघ, तीन ये रत्न हैं बौद्ध धर्म में, बुद्ध, धम्म और संघ। अब इनका मतलब आप दोस्तों कुछ भी मत पूछना, क्योंकि ये बस एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, निम्न में से बौद्ध धर्म का त्रिरत्न नहीं है, या फिर निम्न में से बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है, तो हमें इनकी एक एक चीज़ें रटनी पड़ेंगी। बुद्ध, धम्म और संघ, है ना, ये तो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। अब है बौद्ध धर्म से संबंधित 4 आर्य सत्य कौन से हैं। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। एक तो दुखम, एक दुख समुदयम, देखो दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, है ना। एक तो इसका मतलब तो होता है दुख है, दुख समुदयम मतलब दुख का कारण है, और दुख निरोधम मतलब कि दुख का निरोध भी हो सकता है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा मतलब दुख निरोध के उपाय कौन से होते हैं। ऐसे करके इन्होंने 4 सत्य बताए हैं। दुखम ये है 4 आर्य सत्य, और ये है त्रिरत्न, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दुखम, दुख समुदयम, दुख निरोधम और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। आप तो ऐसे मतलब 2-3 बार पढ़ोगे अपने आप दोस्तों याद होने लग जाएंगे, इनमें कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म जैन धर्म हम बचपन से पढ़ते ही आए हैं, हमारे सामने रहे हैं ये सब, है ना, तो इतने हार्ड नहीं लगेंगे आप लोगों को भी। इसके अलावा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग भी बताया। बुद्ध ने दुख का नाश करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया है, जिसे मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहा गया है। बुद्ध ने ये कहा है कि जीवन में दुख तो अनिवार्य है, वो तो उन्होंने बोल दिया, वो तो आर्य सत्य बता दिया, है ना। अब ये कहा है कि दुख को विनाश करने के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा, और ये अष्टांगिक मार्ग को उन्होंने मध्यम प्रतिपदा, है ना, मध्यम प्रतिपदा मतलब मध्य मार्ग कहा है। मध्य मार्ग मतलब यह मार्ग ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा ईजी है। तो ये मध्यम प्रतिपदा में जो 8 अष्टांगिक मार्ग हैं दोस्तों, उसमें क्या क्या आते हैं, पहले सम्यक दृष्टि, फिर सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांत। सम्यक दृष्टि मतलब नज़र हमारी हमेशा अच्छी नज़र होनी चाहिए, हमारे संकल्प अच्छे होने चाहिए, हमारी वाणी हमेशा उचित होनी चाहिए, हमारे कर्म हमेशा
अच्छे होने चाहिए। सम्यक आजीव मतलब आजीविका के साधन हमेशा उचित होने चाहिए। सम्यक व्यायाम, हमें समय पर व्यायाम करनी चाहिए। हमारी स्मृति भी अच्छी होनी चाहिए और फिर सम्यक समाधि, लास्ट में समाधि ले लेनी चाहिए। ऐसे कुछ करके इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। 3-4 बार पढ़ोगे, देखो सम्यक दृष्टि अगर सम्यक होगी तो हम अच्छा संकल्प कर पाएंगे। अच्छा संकल्प करेंगे तो अच्छी वाणी बोलेंगे, अच्छी वाणी बोलेंगे तो हमारे कर्म भी फिर अच्छे रहेंगे। कर्म कब अच्छे रहेंगे? जब हम आजीविका के लिए अच्छे साधन अपनाएंगे, है ना। आजीविका के लिए अच्छे साधन मेंटेन कर लिया तो हम रोज़ व्यायाम भी कर ले लगेंगे। व्यायाम अगर करते हैं तो हमारी स्मृति बढ़ती है और स्मृति बढ़ती है तो लास्ट में समाधि, मान लो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। थोड़ा सा इस तरह से अपने मन में कोड वर्ड बना लेना और याद आपको हो जाएगा ये सब, है ना। इस देखते हैं, बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति अर्थात दीपक का बुझ जाना है। अब बुद्ध ने क्या कहा है कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है? निर्वाण। निर्वाण का मतलब दोस्तों मोक्ष होता है, जिन्हें हम हिंदू धर्म में मोक्ष बोलते हैं। इन्होंने निर्वाण कहा और निर्वाण का अर्थ बहुतों बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। उसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। ये है रियल में, देखो वर्ड का मीनिंग निर्वाण का ये होता है दीपक का बुझ जाना, है ना। और रियल मीनिंग होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, मतलब हमारा ये जीवन जो होगा अंतिम होगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यह निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही प्राप्त हो सकता है। ये धर्म से रिलेटेड कुछ बातें हैं। अब दोस्तों उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद शब्द का बहुतों बार प्रयोग किया है, तो क्या होता है प्रतीत्य समुत्पाद ये हम देख लेते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है प्रतीत्य मतलब किसी वस्तु से प्राप्त होने पर, और समुत्पाद मतलब किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। मतलब उन्होंने, बुद्ध ने ये कहा है कि हमारे जो सारे कर्म हैं वो एक चक्र में होते हैं। हम एक कर्म करेंगे उससे दूसरा चक्र, मतलब उससे रिलेटेड ही दूसरा कर्म उत्पन्न होगा। तो प्रतीत्य का मतलब क्या है कि हमें अगर कोई वस्तु प्राप्त हो रही है तो समुत्पाद है कि उसके प्रभाव से किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति हो जाएगी। ये होता है प्रतीत्य समुत्पाद। मतलब एक वस्तु हमें प्राप्त हो रही है तो समुत्पाद मतलब उसके उत्पाद के स्वरूप दूसरी वस्तु बनेगी। तो वास्तव में प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। जो उनके उपदेशों का असली निहार्थ है सार है वो क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद ही है। जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण है उसी प्रकार जन्म का कारण अज्ञानता का चक्र है, और अज्ञानता रूपी चक्र को प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है। देखो उन्होंने कहा है कि दुख का कारण क्या है? जन्म है। और जन्म का कारण क्या है? अज्ञानता है। और अज्ञानता मतलब तो ये चक्र हो गया ना। दुख के कारण तो क्या होता है? दुख किस कारण से उत्पन्न होता है? जन्म के कारण। और हमारा जन्म क्यों होता है? अज्ञानता के कारण, क्योंकि हमें निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ। जब हमें निर्वाण प्राप्त हो जाएगा फिर तो पुनर्जन्म होगा ही नहीं ना हमारा। तो क्या कहते हैं कि जब तक हमें मतलब पूरे ज्ञान और निर्वाण प्राप्त नहीं होता है तब तक हमारे पुनर्जन्म होते रहते हैं, है ना। तो जन्म का कारण क्या हो गया? अज्ञानता। तो इस प्रकार अज्ञान रूपी चक्र को ही इन्होंने क्या कहा है? प्रतीत्य समुत्पाद। मतलब ये सारी चीज़ें एक चक्र में चलती रहती हैं हमारे। प्रतीत्य समुत्पाद के 12 क्रम हैं जिसे द्वादश निदान भी कहा गया है, जो निम्न है। उन्होंने कहा है कि प्रतीत्य समुत्पाद मतलब हर चीज़ जो हमारे से रिलेटेड है वो एक चक्र में चलती रहती है। तो उन्होंने ये 12 क्रम इनके बताए हैं जिसे उन्होंने द्वादश निदान कहा है, और जो निम्न प्रकार से है। देखो जाति जरामरण अविद्या संस्कार विज्ञान नाम रूप स्पर्श तृष्णा वेदना षडायतन भव उपादान। अब आपको ये सब याद भी नहीं होंगे और ये एग्ज़ाम में पूछे भी नहीं जाते हैं, बस एक दो बार आप इन्हें पढ़ लेना कि थोड़े से, जैसे जाति जरामरण अविद्या संस्कार विज्ञान नाम रूप स्पर्श तृष्णा वेदना षडायतन भव उपादान, ऐसे करके थोड़ा सा आप पढ़ लेना। इसके अलावा दोस्तों आज का लेक्चर तो शायद 15 मिनट का हो गया होगा, 18 मिनट का लेक्चर हो गया दोस्तों। बाकी जो आधा लेक्चर बचा है बौद्ध धर्म से रिलेटेड वो हम कल अध्ययन करेंगे। तो अगर आज जितना पढ़ा है वो समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। और छूटी हुई बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो अगले लेक्चर में हम अध्ययन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।